शीतलहर के कारण रौतहट के विद्यालय सब बंद। सप्तरी में सुमो दुर्घटना भले पर एक जने की मृत्यु, दू जने घायल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 12 के विशाल विरोध सभा संपन्न। प्रदेश दू में बिहान सार्वजनिक विदा देवे के प्रदेश सरकार के निर्णय। सांसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस द्वारा देशव्यापी रूप में प्रदर्शन। सिमरनगढ़ लगायत सभी पालिका में विरोध तथा रैली प्रदर्शन आ निर्वाचन के खातिर माघ 15 गते नमावली प्रकाशित करे के प्रस्ताव। नमस्कार, बारा जिला के सिमरनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमरो पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। विगत 3 दिन से प्रदेश दू के विभिन्न जिला में बढ़ल ठंड के कारण रौतहट के भी सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सब बंद होके लागल बाटे। रौतहट के गौर, गडूरा, राजपुर आ परोहा नगर पालिका के सभी विद्यालय सब शीतलहर के कारण 3 दिन के खातिर बंद करे के निर्णय कर गेल बाटे। एक हफ्ता से चलल शीतलहर के कारण ई नगर पालिका सब एतवार के सूचना जारी कर अत्यधिक ठंड के कारण लड़का लड़की सब में कोरोना वायरस के थप जोखिम के संभावना उच्च देखल गेला से गौर के सभी सामुदायिक तथा निजी विद्यालय अगहन 7 गते तक बंद करे के निर्णय कर गई। नगर प्रमुख अजय गुप्ता जानकारी दिले बनी। ऐसा ही परोहा नगर पालिका के प्रमुख शेख वकील से ठंड के कारण नगर के विद्यालय सब बंद करेला ऐसा निर्णय कर गई बतैनी। पूर्व पश्चिम लोक राजमार्ग अंतर्गत सप्तारी के खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित आज सवेरे सुमो से रोकल गई एक ट्रैक्टर में ठक्कर देला पर दुर्घटना में एक जने के मृत्यु भइल बाटे त दू जने घायल भइल बाटे। लोग जिला के खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 8 गिरधारी राइस मिल स्थित राजमार्ग में रोक के राखल स एक त 25-12 नंबर के ट्रैक्टर में पश्चिम से पूर्व तरफ जा रहल में एक ज 24-52 नंबर के सुमो से ठक्कर देला पर जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी तथा प्रवक्ता भुवनेश्वर प्रसाद शाह जानकारी दिले बनी। उक्त दुर्घटना में पर के सुमो में सवार झपट जिला के शिव 87 नगर पालिका 11 डूराम मनी रह वाला मदन प्रसाद लिंबू के 25 वर्षीय बेटा रूपेश लिंबू के मृत्यु भइल बाटे। दुर्घटना में पर के गंभीर घायल भइल उनकर राज विराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भइल बाटे। अत्यधिक ठंड के कारण गौशाला नगर पालिका 3 दिन के खातिर विद्यालय सब बंद करे के भी निर्णय कैले बाटे। कुछ दिन से शीतलहर बढ़ला बाद विद्यार्थी सबके विद्यालय जाए में समस्या होखे लगला बाद मौत्री के गौशाला नगर पालिका से नगर भीतर के सभी विद्यालय सब 3 दिन के खातिर बंद होखे वाला भइल बाटे। कड़ा ठंड ऐसा ही धुन आ शीतलहर के कारण जनजीवन प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित भइला बाद गौशाला नगर पालिका से ये सुख से सामुदायिक विद्यालय सब में जाड़ विदा दिल गए। शिक्षा अधिकृत संजय कुमार सिंह जानकारी दिल भनी। जाड़ के समय में लड़का लड़की सबके सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े वाला भैला से नगर पालिका भीतर रहल निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सब बंद करके निर्णय कर जनावल गए बाटे। ऐसा ही ठंड के कारण वीरगंज के विद्यालय सब भी 3 दिन के खातिर बंद कर गए बाटे। नेपाल शिक्षक महासंघ प्राइवेट एंड बोर्डिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेपाल वीरगंज महानगर पालिका से संयुक्त विज्ञप्ति जारी करत विद्यालय सब बंद करने के निर्णय कल गए बाटे। महानगर पालिका भीतर के सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सबसे पठन पठन माघ 4 गते से 6 गते तक स्थगित करे के सहमति भइल। महासंघ के वीरगंज के अध्यक्ष विनोद मेहता जानकारी दिलवानी। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गणतंत्र असंघीयता विरोधी व्यक्ति भइल बतैले बानी। बारा जिला के सदर मुकाम कलिया में काल जनता समाजवादी पार्टी से आयोजना कैल गई प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध आयोजना कैल गई विरोध प्रदर्शन तथा सभा के संबोधन करते मंत्री सोनल प्रधानमंत्री ओली से शुरू से ही गणतंत्र असंघीयता विरोधी रहल बतैले बानी। प्रधानमंत्री ओली संघीयता आ गणतंत्र के समाप्त करे के प्रतिनिधि सभा विघटन कैल मंत्री सोनल से आरोप लगाओल गए बाटे। प्रधानमंत्री ओली शुरू से ही गणतंत्र असंघीयता के विरोधी बानी। वहाँ के शुरू में ही कहले रहने कि नेपाल जैसन देश में गणतंत्र संहिता ना टिकी, लेकिन हमने आज देश के संघीय गणतंत्र बनाए बानी। उहे न पच के वहाँ के प्रतिनिधि सभा विघटन मार्फत संहिता आ गणतंत्र के समाप्त करके खोजले बानी कह के मंत्री सुनल कहानी। सरकार संगे 2/3 के बहुमत भैया पर भी संसद विघटन भइल दुर्भाग्यपूर्ण भइल बतावत मंत्री सुनल ओली के कदम जनता के मनोभावना संहिता गणतंत्र लोकतंत्र संवैधानिक सर्वोच्च ऊपर कुठाराघात भइल दुख व्यक्त कर बनी। जसपा के केंद्रीय सदस्य समेत रहल मंत्री सोनल धोती कुर्ता लगा के रैली निकालने में मधेश के जनता के मूर्ख बनावे ना सकल जाए कहकर बतानी। पहचान अधिकार सतह में समान अधिकार न देला पर धोती कुर्ता लगाइला में मधेशी जनता भ्रमित न होकर वहाँ के दावी
कैले बानी। प्रदेश दू में प्रदेश सरकार बिहान सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय के लिए बैठे। बलिदान दिवस के अवसर में काल सोमवार के प्रदेश भर सार्वजनिक विदा दिहल गए। मुख्यमंत्री संचार सचिवालय जानकारी दिल बैठे। मधेश आंदोलन के क्रम में शहादत प्राप्त कैल शहीद सबके याद में प्रत्येक वर्ष माघ पांच कते के दिन बलिदानी दिवस मनाओल जाला। पहलका मधेश आंदोलन के क्रम में सिराह के लहान स्थित रमेश महतो से शहादत प्राप्त कैल स्मरण के बलिदानी दिवस मनावत आयल बैठे। ठनका लाख के जान गांव वाले के परिवार के प्रदेश दू सरकार 1,00,000 रुपया सहयोग के लिए बैठे। बारह के फेटा गांव पर के वार्ड नंबर 1 त्रिवेणी में बीतल अषाढ़ 18 गते वर्षा संगे पड़ल। ठनका से जान गांव वाले दू जने महिला के परिवार के प्रदेश दू सरकार प्रति परिवार 1,00,000 रुपया के दर से आर्थिक सहयोग के लिए बैठे। प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल काल त्रिवेणी गांव में पहुंच के मृतक सोनर पति देवी महतो आ इंदु देवी महतो के परिवार के अभिभावक जादूलाल महतो आ हीरालाल महतो के चेक प्रदान कैले बानी। अषाढ़ 18 गते 12 में ठनका लाख के चार जने महिला के मृत्यु भेल रहे। फेटा गांव पालिका त्रिवेणी गांव के दू जने महिला सहित ठनका से कले उपनगर पालिका 12 के शीतलपुर के थप दू जने के मृत्यु भेल रहे। घटना बाद प्रदेश दू सरकार मृतक परिवार के 1,00,000 रुपया सहयोग करे के घोषणा कैले रहे। ऐसे ही 12 जिला के जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका के वार्ड नंबर 8 रमौली लोसंडा आ वार्ड नंबर 20 बस डीलवा बीच रहल दुधौरा नदी में पुल निर्माण होके वाला भल बटे। दुधौरा नदी में पुल निर्माण भले बाद लंबा समय से वैकल्पिक रास्ता के प्रयोग करे के बाद दे रहे स्थानीय सब खुशी भल बानी। पुल न भेला से बरसैया में स्थानीय 25 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता प्रयोग करत रहे। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री से मंत्रालय से करीब 13 करोड़ रुपया के लागत में निर्माण होके लागल पुल के आज मंत्री जितेंद्र सोनल शिलान्यास कैले बानी। पुल निर्माण के जिम्मा मकानपुर जिला स्थित हेठौड़ा सपना मेरीना जेबी कंस्ट्रक्शन लेले बाटे। 100 मीटर लंबा पुल आए वाला 2079 आसिन 28 गते तक निर्माण कंपनी से संपन्न करके समझौता कैल मंत्रालय जानकारी दिल बाटे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य समेत रहल मंत्री सोनल पुल निर्माण बाद जीतपुर सिमरा के जनता सबके जिला के सदर मुकाम कलैया पुगे में समेत सहज होके के बतैले बानी। बादल खबर में अभी खातिर समय भेल बटे एक छोटे व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 MHz सिमरौनगढ़ 12। सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरौनगढ़ वितरण केंद्र के अत्यंत जरूरी सूचना। विद्युत के तार में हुकिंग करके बिना मीटर जड़ान भइल अनाधिकृत रूप में विद्युत के प्रयोग ना करी। विद्युत चोरी कैला पर करंट लाग के दुर्घटना हो के घायल आ अंग भंग हो सकता, साथे जान भी जा सकता। विद्युत चोरी कैला पर तार टूट के करंट लगला पर घर गांव बस्ती में आग लगी हो सकता, ट्रांसफार्मर जर सकता, विद्युत के उपकरण सब बिगड़ सकता। विद्युत चोरी कैल कानूनी अपराध है, साथे सामाजिक बदनामी आ बेइज्जती भी है। यही से विद्युत चोरी ना करी। विद्युत चोरी कैल पकड़ैला में भारी जुर्माना हो सकता। विद्युत चोरी करे वाला के सामाजिक बहिष्कार कैल जाओ। केनहु विद्युत चोरी हो रहल देखला पर सिमरौनगढ़ वितरण केंद्र के कार्यालय में तुरंत सूचना दे के सभ्य नागरिक के परिचय दी। याद राखी खबर करे वाला व्यक्ति के नाम आ पता गोप्य रखल जाए। अनावश्यक समय में बत्ती बरत देखला पर तुरंत मुझाई, चाहे सिमरौनगढ़ विद्युत ऑफिस में खबर करी। समय में विद्युत के बिल तिरी आ लाइन कटे के समस्या से मुक्ति पाई। अपने के घर टोल में चुहावट नियंत्रण के खातिर आवे वाला विद्युत कर्मचारी के सहयोग करके विद्युत चुहावट मुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरौनगढ़ वितरण केंद्र विशेष जानकारी खातिर संपर्क नंबर 0354110011। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 MHz सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बैठे। बाकी के खबर, संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस देश भर के पालिका समय विरोध प्रदर्शन कर बैठे। संसद पुनर्स्थापना के मांग करत नेपाली कांग्रेस देश भर के 753 स्थानीय तहसभ में प्रदर्शन कर बैठे। वही विरोध के कार्यक्रम अंतर्गत 12 के सभी पालिका में प्रदर्शन कर बैठे।
प्रधानमंत्री संगे होत ना भइल अधिकार प्रयोग करके भइल संसद विघटन के कदम असंवैधानिक भइल कहत नेपाली कांग्रेस आंदोलित भइल बाटे। काल 12 के सभी पालिका में रहल कार्य समिति सब अपन अपन पालिका में प्रदर्शन कइल बाटे। केंद्रीय कार्यक्रम अनुसार भइल दूसरका चरण के आंदोलन अंतर्गत सिमरौनगढ़ में विरोध रैली निकालल गइल रहे। नेपाली कांग्रेस 12 क्षेत्र नंबर 1 के क्षेत्रीय सभापति तथा सिमरौनगढ़ नगरपालिका के नगर प्रमुख विजय शंकर यादव के नेतृत्व में पार्टी सिमरौनगढ़ नगर पालिका में बृहत रैली सहित की विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। रानीवास बाजार से शुरू भइल रैली नगर के विभिन्न स्थान में पहुंच के फेरू बस पार्क में आके कोन सभा में परिणत भइल रहे। रैली में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति भंडारी नेकपा सरकार विरुद्ध कांग्रेस के कार्यकर्ता सब कड़ा नाराबाजी समेत कैले रहे। कोन सभा के संबोधन करते मेयर यादव प्रधानमंत्री ओली निरंकुशता तरफ उन्मुख भइल आरोप लगैले रहनी। संविधान के धज्जी उड़ावत कैल गेल संसद विघटन के कदम असंवैधानिक भइल उनकर प्रतिक्रिया रहे। रैली में मोहन महतो चंद्रशेखर यादव उपेंद्र जायसवाल लगायत पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ता तथा सदस्य सब लोग लगायत स्थानीय जनता के ज्यादा उपस्थिति रहल रहे। निर्वाचन आयोग मध्यावधि निर्वाचन के खातिर माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित करके प्रस्ताव कैले बाटे, लेकिन प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भइल कहत परल मुद्दा संवैधानिक इजलास में विचाराधीन बाटे। उस समय में निर्वाचन आयोग से सरकार से तोकर बैसाख 17 आ 27 गते प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दल के नेता संघ छलफल कैले बाटे। आज निर्वाचन आयोग से संघीय संसद प्रदेश सभा स्थानीय तह में प्रतिनिधित्व करे वाला राजनीतिक दल संघ घोषित मिति में निर्वाचन संपन्न करावेला निर्वाचन आयोग से कल जा रहल आंतरिक तैयारी के संबंध में छलफल कैले बाटे। छलफल में आयोग से संचालन कैल मतदाता नामावली अत्यावधिक करे के कार्यक्रम मतदान स्थल मतदान केंद्र पुनर्वलोकन कार्यक्रम के बारे में नेता सबके जानकारी करा के राय परामर्श लिहल निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राज कुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलवानी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहल बा। आज सवेरे 17 दोपहरिया 25 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बा। आज सवेरे 6:55 में बेर उगल रहे, संझे 5:35 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। शीतलहर के कारण रौतहट के विद्यालय सब बंद, सप्तरी में सुमो दुर्घटना भले पर एक जने की मृत्यु, दू जने घायल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 12 के विशाल विरोध सभा संपन्न, प्रदेश दू में बिहान सार्वजनिक विदा देवे के प्रदेश सरकार के निर्णय। संसद विघटन विरोध नेपाली कांग्रेस द्वारा देशव्यापी रूप में प्रदर्शन, सिमरौनगढ़ लगायत सभी पालिका में विरोध तथा रैली प्रदर्शन और निर्वाचन के खातिर मांग 15 गते नामावली प्रकाशित करके प्रस्ताव। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पात्रों पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रोस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।